शूज में पानी भर गया। तुम्हारा भी भरा है? पूरा शूज गीला हो गया। ले जाऊं मैं पैदल? कैसे आओगी तुम? कैसे आओगी भाई? ये एक्सयूवी जो है ना सामने, ये उल्टी गई है वापस, क्योंकि इनकी गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी सॉरी भाई। ये रास्ते ही नहीं है। एंड आई स्वेयर, ट्रस्ट मी, इससे खतरनाक रास्ते आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे फॉर श्योर। ये बहुत बहुत ज़्यादा सुपर क्रेजी कर दिया भाई। हाँ, थक गए। तो भाई ये बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर, इनके ऊपर से ले जानी पड़ती है बाइक। और सही में दिस इज द मोस्ट टफेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बहुत ज़्यादा टफ हो गया ये, और अभी भी काफ़ी बचा है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों लोग स्पीति आते हैं, काजा से वापस चले जाते हैं शिमला से होते हुए। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ही ज़्यादा टफ है यार। और बाइक वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। बाकी आराम आराम से ही चल रहे हैं, किसी जल्दबाजी में नहीं चल रहे, क्योंकि सेफली पहुंचना है हमको। कोई स्टंट नहीं दिखाना है, कोई पंगा नहीं लेना है, आराम आराम से जा रहे हैं 5-10 की स्पीड से। जहां लगता है कि कोई दिक्कत है वहां रुक जाते हैं। सो सेफ्टी सबसे पहले है, सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पर तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना, आराम आराम से जाना, रास्ता निकल जाता है, बट अगर चोट लग गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। बट ये रास्ता और ये रोड बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही रास्ता मनाली से काजा को जोड़ता है, और यही रास्ता बहुत ख़राब है। आने वाले टाइम में हो सकता है नहीं श्योरली ये बन जाएगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस रोड की हालत सही में बहुत ख़राब है। और ये रोड है ही नहीं, ये बस ऐसे ही बीच में से रास्ता बनाया हुआ है।
मैंने जेट प्रभजोत की वीडियो में देखा था कि वो यहाँ पर 50 की स्पीड पे बाइक चला रहे थे और हमारी चल रही है 20 की स्पीड पे, तो समझ सकते हो कि हैवी बाइक होने का कितना फ़र्क पड़ता है। BMW 1250 के सस्पेंशन तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो पता नहीं चलती जितने झटके हमको लग रहे हैं उनको नहीं लग रहे होंगे। सीधी सीधी बिल्कुल सीधी निकलेगी, हाँ बिल्कुल सीधी निकलेगी। अच्छा आ रहा है, हाँ हाँ ये टायर जो गया ना बिल्कुल सीधा गया है, तुम ध्यान से जाना, रुक जाओ। चलो चलो, ये फिर ये लेट निकल रहा है, हम लोग निकलते हैं। सुनो सुनो, पूरा आगे मत जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, बीच में ऐसे बनाने यू करके। आ जाओ भाई, ये है अब तक की सबसे गहरी वाली वाटर क्रॉसिंग। आ जाओ, डर लग रहा है। 1 2 3 वो ओ निकल गई। निकल गए भाई। तो भाई ये वाली तो क्रॉस हो गई, अब एक और है आगे, तो मैंने मनमीत को उतार दिया है और अब मैं अकेला जा रहा हूँ। ये वाली तो साइड से हो जाएगी, बीच में से निकल गई। ये तो छोटी सी थी, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ चलो, तो भाई एक और वाटर क्रॉसिंग आई बहुत बड़ी वाली, अब इसको निकालते हैं आराम आराम से। ओहो भाई थोड़ी सी लंबी है ये, इतनी वाटर क्रॉसिंग आज हमने क्रॉस कर ली है ना कि भाई कहने की हद नहीं है। और इतने बड़े बड़े पत्थर हैं तो नीचे लग भी रहे हैं। क्रॉस वन मोर भाई, इस वीडियो में जितने एफर्ट्स लगे हैं ना उस एफर्ट्स के लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ से जा रहा है ना वो एक लाइक और सब्सक्राइब तो डिज़र्व करता ही करता है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत इजी है तो आप एक बार आके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि एक व्लॉगर वीडियो बनाने के लिए कहाँ क्या कितनी मेहनत करता है ना। एम आई राइट और एम आई राइट? कुछ नहीं, धन्यवाद। तो भाई अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो ना, लग रहा हो कि हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो खैर कर ही देना। और अगर आपका कोई जान पहचान के स्पीति वाली आना चाहता हो और उसे जानना हो, मोस्टली क्या होता है जब मैं भी आने वाला था ना तो मैं भी लोगों की वीडियोस देखता था कि कैसे रोड्स हैं कैसे जाना है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट
जो रॉ वीडियो है ना, रॉ फुटेज है, वो शेयर नहीं करते, बट मेरी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी रॉ फुटेज मिलेंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि जो रियल है, जो जो आपको फेस करना पड़ेगा, वही वीडियो में दिखाऊँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली थोड़ी लंबी है, पर निकलते हैं, चक दे फटे नब्दी गिल्ली। तुम साइड से आओ, इधर से एक और वाटर क्रॉसिंग, लेट्स डू इट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ डन हो गई, ये वाली भी हो गई। वहां तक भाई, कहां तक ये रास्ता कब ख़त्म होगा, क्योंकि इतना ऑफ रोड हो गया ना, अब ऐसा लग रहा है कि भाई बस यार ख़त्म हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं। अब बस यही मन कर रहा है कि जल्दी से प्लेन रोड्स आए और हम लोग मनाली पहुंच जाएं। भाई साहब ये कैसे होगी, ये कैसे होगी, बैठ के चलना है या उधर से? इधर से भी तो निकल सकते, इधर से निकल के ना इसके ऊपर ले जाओ, चली जाएगी। चलो जाता हूँ। ओ ओ निकल गई भाई, निकल गई। कहाँ चढ़े, खत्म? कोई पत्थर अड़ रहा है क्या? ओह धक्का दे सकते तुम, फिसलोगी तो नहीं?
नीचे पत्थर है क्या? आओ धीरे धीरे आओ, मैं दे रहा हूँ। चलो चलो आ चल जा, चल जाइए अब। कैसे करे? नहीं चढ़ रही। ओह चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई भाई, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक। फट गई। पता नहीं अभी कितने और हैसल बाकी हैं। तो बेसिकली जब भी स्लोप आता है ना, उस टाइम पे बाइक थोड़ी सी लैग करती है क्योंकि इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है इसलिए। बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आई है। चलो